अब आज आपसे स्टार्ट करेंगे। x की वैल्यू 80 स्क्वायर दे रखी है, y इक्वल्स टू 280 दे रखा है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। निकालना है आपको dy by dx। क्वेश्चन समझ आ गया ना ढंग से? अच्छा अब मेरे को बताओ x किसका फंक्शन है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x किसका फंक्शन है? y का सर। t बोलेंगे, ठीक है। a b c d कांस्टेंट होते हैं। y किसका फंक्शन है? t का, ठीक है। निकाल सकते हैं इससे dx by dt। यस सर। क्या आएगा? dAt square by dt, तो आएगा a into dt square by dt, that is 280। कोई डाउट dx by dt में? सर सही है। यस सर। अब dy by dt कितना आएगा? 2a बाहर, dt by dt कितना? 1। कोई डाउट तो नहीं सर? अच्छा ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड बाय 1 कर दिया मैं, तो ये क्या आएगा? dy by dt होल डिवाइड बाय dx by dt इज इक्वल्स टू 2a डिवाइड बाय 280। आंसर इज 1 बाय t, dt dt कट गया, दैट इज dy by dx। ये बात समझ आ गई हाँ या ना? यस सर। ठीक है विधि। यस विधि, अब आप बोलोगे। मैंने बोला x इक्वल्स टू a cos थीटा है, y इक्वल्स टू b sin थीटा है, ठीक है। मेरे को निकालना है dy by dx। x किसका फंक्शन है? थीटा। तो dx by क्या निकालेंगे? d थीटा। बोलो dx by d थीटा कितना आया? माइनस a sin थीटा। अब dy by d थीटा बताओ कितना आया? b cos थीटा। दोनों को क्या करूं? डिवाइड। कितना आ गया आंसर? माइनस a by b cos थीटा। a by b की b by समझ आ गई बात? यस सर। क्या होता है सम्यक? यस सर। बच्चे आप बोलना, थोड़ी आवाज तेज, थोड़ा सा तेज बोलना बच्चे। यस सर। चलो x इज इक्वल टू e की पावर cos 2t दे रखा है, y इज इक्वल टू e की पावर sin 2t दे रखा, सही है? यस सर। dy by dx प्रूफ करना है, माइनस वाई लॉग एक्स बाय एक्स लॉग वाई। क्वेश्चन समझ आ गया हाँ या ना? यस सर। चलो एक्स किसका फंक्शन है? सर टी। और वाई किसका फंक्शन है? सर वो भी टी का ही है। तो पहले बताओ डी एक्स बाय डी टी निकालेंगे कैसे? डी एक्स बाय डी टी कैसे निकालेंगे? सर ई कॉस रेज टू पावर टू टी डिवाइडेड बाय डी कॉस टू टी into d cos 2t by dt। चलो आप बताओ जल्दी dx by dt कितना आया? चलिए आ जाएगा e raised to power cos 2t into minus sin 2t। एक मिनट बच्चे, नीचे d2t आएगा ना? यस सर। सॉरी सर, into sir, d2t नहीं आएगा? लेके भी तो कर सकते हैं आप बच्चे, d2t लिख दिया नीचे। dx by dt कितना आ गया? e की पावर cos 2t into minus sin 2t into 2। कोई डाउट? नो सर। अब dy by dt निकाल जल्दी से। यस सर। dy by dt is equals to de sin d raised to power sin 2t divided by d sin 2t into d sin 2t by d2t। Very good। Into d2t by dt। कोई डाउट है? No sir। E raised to power sin 2t into cos 2t into 2। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, दोनों को क्या करना है? Sir divide। dy by dx कितना आ गया?
2t और नीचे क्या आया माइनस टू साइन टू टी इंटू ई की पावर कॉस टी इंटू टू। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। अब प्रूफ क्या करना है? माइनस वाई लॉग। यस सर। अच्छा अब ई की पावर साइन टू टी की वैल्यू क्या है सर? वाई। चलो सर, ये टू से टू कट गया, नेगेटिव वाई, और ये इसकी वैल्यू क्या है सर? एक्स। अब कॉस टू टी की वैल्यू निकाल, इसको लॉग ले लो, इस इक्वेशन को लॉग ले लो, जो मैंने एक्स मार्क किया है लॉग ले लो। यस सर। लॉग लेंगे तो लॉग एक्स कितना आया? लॉग एक्स कितना आया? कॉस टू टी लॉग ई। कॉस लॉग ई क्या होता है? सर वन। बात समझ आ गई? कॉस टू टी को क्या लिखते हैं? सर वन। यस सर। लॉग एक्स, ठीक है। यस सर। लॉग लेंगे इसका तो क्या आएगा दूसरी इक्वेशन का? साइन टू टी की वैल्यू क्या आएगी सर? लॉग वाई। समझ आ गई बात? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो नेक्स्ट बोलेगा मल्लिका। रितिका, वंशिका। यस सर। कौन बोल रहा है बच्चे? सर वंशिका। वंशिका आप तुम बोलना, मेरे को प्रूफ करना है dy by dx is equal to tan 3 theta by 2। कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, अब मल्लिका सॉरी वंशिका, dx by d theta बोलो। सर dx by d theta होगा minus 2 sin theta minus d minus sin 2 theta divide into 2। ठीक है, plus 2 sin 2 theta लिख दूं? यस सर। अच्छा dy by d theta भी बोल दो जल्दी से फिर। सर ये होगा 2 sin 2 cos theta minus cos 2 theta। ये बात समझ आ गई दोनों? यस सर। दोनों को क्या करना है? डिवाइड। dy by dx कितना आया? माइनस टू साइन थीटा प्लस। यस सर। थोड़ा सा उल्टा बोल रहे हो ना? यस सर, सॉरी सर। यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ या ना? यस सर। टू से टू कट गया, कॉस टी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन थीटा प्लस टू थीटा बाय टू साइन थीटा माइनस टू थीटा बाय टू। ना 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 ना, गलत बोले, साइन डी माइनस सी बाय टू होता है। यस यस सर। सही है। टू प्लस थीटा बाय टू साइन टू माइनस थीटा बाय टू। तो अब आपके पास आंसर क्या आया बताओ? टू से टू कट गया, ये और ये कट गया, टेन थ्री थीटा बाय टू आ गया। यस सर। बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर है ना ये बिल्कुल ढंग से? यस सर। चलो अब इसमें और कोई क्वेश्चंस बताने की जरूरत तो नहीं है? नो सर। चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.8। अब कौन बोलेगा बच्चे? नाम बोलो। ऋषि सर। हाँ ये सर। डिफरेंशिएट करना है लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू टैन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसको वाई मान लू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर को और इसको यू मान लू टैन इनवर्स एक्स को, तो मेरे को निकालना है डी वाई बाई डी यू। कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। समझ आ गई इतनी बात? वाई किसका फंक्शन है सर? वन प्लस एक्स स्क्वायर। वाई किसका फंक्शन है? एक्स का। और यू किसका फंक्शन है? एक्स।
तो डी वाई बाई डी एक्स बताओ कितना आया सर? 1/x² इंटू 2x। हाँ चलो ये बात समझ आ गई। यस सर। कोई डाउट है डीवाई बाई डी एक्स में? नो सर। अब डी यू बाई डी एक्स बताओ कितना आया? 1/1+x² ये बात समझ आ गई। यस सर। अब इन दोनों को क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड। बोलो डीवाई बाई डी यू कितना आया? 2x। समझ आ गया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा नेक्स्ट कौन बोलेगा? कुणाल तनवर। यस सर। कुणाल तुमने बोलना है। लॉग एक्स की पावर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो इसको क्या मान लूं मैं? डी वाई। और यू किसको मान लूं? लॉग एक्स। अच्छा निकालना क्या है मुझे? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू सही है? यस सर। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकाल लेंगे? इसका लॉग लेना पड़ेगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। यस सर। तो log y कितना आ गया? सर x log into log x। ठीक है x log log x, log into नहीं है, log log x। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करो, d log y by dy into dy by dx। कोई डाउट है? नो सर। log x by d log x into d log x by dx plus log log x into dx by dx one। कोई डाउट? कुणाल? नो सर कोई डाउट नहीं। वन अपॉन y dy by dx is equals to कितना आया? x upon log x into वन upon x plus log log x। तो y dy by dx जो आ गया वो आपका आ गया, y की वैल्यू क्या है? log x की पावर log x by log 1/log x plus log log। कोई डाउट है dy by dx में? नो सर। अब du by dx बता क्या आया? सर du by dx आएगा d log x by dx, वो 1/x हो जाएगा। ठीक है अब दोनों को क्या करना है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, इन दोनों को क्या करना है? सर डिवाइड। dy by du कितना आ गया? सर ये हो जाएगा हमारा log x की पावर x अपॉन 1/log x प्लस log log x अपॉन x 1/x। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है नेक्स्ट कौन बोलेगा? ऋतिक। ऋतिक बोलो। वेरी गुड, आज पहली बार बोल रहे हो तो मैं अपनी मर्जी से। डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x रूट 1-x² को विद रिस्पेक्ट टू टैन इनवर्स x अपॉन रूट 1+x². कोई डाउट है? ऋतिक? नो सर। अच्छा अब इसको क्या मानूं बच्चे मैं, पहले वाले को? ऋतिक बोलोगे? चलो कौन बोलेगा और कोई बच्चा? सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। यस बच्चा आवाज आ रही है? यस सर ब्रेक हो रही है वॉइस सर। कौन बोल रहा है वॉइस ब्रेक हो रही है? सर ऋतिक। बच्चे और किसी ब्रेक हो रही है? नहीं हो रही है। बच्चे आपके कनेक्शन की साइड प्रॉब्लम होगी। ये कहता है कौन बोल रहा है, सिद्धांत बोलेगा?
सर मुकुल बोल रहा था। अच्छा मुकुल बोलो। मुकुल इसको y मान लिया, इसको u मान लिया, अब y इज अ फंक्शन ऑफ x, सर x इज अ फंक्शन ऑफ cos थीटा मान लेंगे x। एक मिनट रुक जाओ, dy by du निकालना है, x को क्या पुट कर दूं मैं, cos थीटा, cos थीटा, चलो जो आपने बोला, इसमें पहले dy by dx निकालेंगे हम, कैसे भी निकाल, यस sir, sin inverse 2 sin थीटा into डिफरेंशिएट तो करोगे ना बच्चे, यस ये समझ आ गया? हाँ सर आ गया। अब du by क्या निकालना है, dx, तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होगी, क्यों tan थीटा माना, क्यों tan थीटा माना, उससे x को थीटा बन जाएगा root 1 plus x square, बिल्कुल u is equals to tan inverse tan theta upon 1 plus sec theta 1 plus tan square theta। चलो चेक कर लेते हैं, u = क्यों कितना आया बोलो, sin थीटा cos थीटा by cos थीटा sin थीटा = to tan inverse sin थीटा। अच्छा एक मिनट रुको, मैंने गलती कर दी, u = क्यों कितना आया, tan inverse tan थीटा upon sec थीटा, तो ये बन गया tan inverse sin थीटा, ठीक है। yes, इसका कोई फायदा हो रहा है? नहीं सर नहीं हो रहा ना, तो इसीलिए इसको चेंज नहीं कर, इसको कुछ नहीं करेंगे, अब हम सिंपली जो भी था ना हमारा, इसको हटा रहा हूँ मैं, रब कर रहा हूँ, इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं, हम सीधा डिफरेंशिएट करेंगे du by dx, ठीक है, du by dx क्या आएगा, d tan inverse x upon root 1 plus x square dx upon root 1 plus x square into dx upon root 1 plus x square divided by dx, कोई doubt? No sir, so 1 plus x square by 1 plus x square into और root इसमें क्या लगेगा? Quotient rule 1 plus x square root, yes, 1 plus x square, 1 plus into x square x 1 into dx by dx plus d 1 plus x square की power half है, half और नीचे d1 plus x square आ जाएगा into d1 plus x square by dx, तो ये आ जाएगा half into 1 plus x square की power minus half minus 1 by 2 into 2x। चलो अब dy by dx पता लग गया और du by dx पता लग गया, दोनों को क्या करना है, divide बस, और कुछ तो नहीं करना है, ये बात समझ आ गई है? यस सर आ गई। बच्चे इनमें ना मेरे को तीन चार क्वेश्चन ही करवाने, ठीक है, जस्ट अनन्य रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।